खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रयोग को कम करने के लिए सरकार किसान के खेत में नैनो यूरिया का स्प्रे करवाएगी। नैनो यूरिया से पर्यावरण की सुरक्षा होगी, खेत की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी और किसान को आर्थिक रूप से बचत भी होगी। वहीं किसानों को इसका लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या फिर किसान को कृषि विभाग के अधिकारी से मिलकर एक प्रार्थना पत्र देना होगा, जिससे किसानों की फसलों पर ड्रोन की सहायता से नैनो यूरिया का छिड़काव हो सकेगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश सरकार किसानों को आधी से कम कीमत पर नैनो यूरिया खाद दे रही है, जिसका स्प्रे भी ड्रोन से होगा। रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है। कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश में 1,00,000 भूमि पर नैनो यूरिया छिड़काव का लक्ष्य रखा है। नैनो पार्टिकल्स होते हैं यूरिया के, और ये इफको जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा बनाया गया एक उत्पाद है, और इसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं यूरिया के। इसमें जो दूसरा यूरिया होता है उसमें जो दानेदार यूरिया होता है, इसमें लिक्विड यूरिया होता है ये। और जैसा कि आप फार्मर्स, आपको पता है कि जो सरकार द्वारा जो यूरिया उपलब्ध कराया जाता है वो 266 रुपये 50 पैसे प्रति बैग मिलता है, जबकि नैनो यूरिया का रेट है जो 240 रुपये है और मार्केट में ये 225 के आसपास मिल जाता है। अगर हम नैनो यूरिया को और दूसरे यूरिया को कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। जो कन्वेंशनल यूरिया है वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो दानेदार के रूप में किसानों को उपलब्ध होता है, वो उस पर लगभग 1700 रुपये की सब्सिडी रहती है एक बैग पे, और जबकि नैनो यूरिया 240 रुपये का किसानों को उपलब्ध हो जाता है। अगर हम दोनों की बात करते हैं, दोनों की यूजेज के बारे में बात करते हैं, दोनों का उत्पादन पर क्या फ़र्क पड़ता है तो उसके बारे में बात करते हैं, तो जो कन्वेंशनल यूरिया है, जो यूरिया आमतौर पर जो किसानों को उपलब्ध हो रहा है, वो तकरीबन 25 से 30% ही फसलों को मिल पाता है। बाकी जो 70-80% जो यूरिया है वो या तो ज़मीन के अंदर मिल जाता है, ज़मीन के अंदर जो बेकार हो जाता है, जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता, जबकि नैनो यूरिया की एफिशिएंसी 90% है। तकरीबन 90% नैनो यूरिया पौधों को उपलब्ध हो पाता है। स्कीम के तहत बाजार में 220 रुपए कीमत पर मिलने वाला नैनो यूरिया किसानों को 100 रुपए में मिल सकेगा, और इतना ही नहीं, किसान के खेत में ड्रोन और अन्य माध्यम से छिड़काव का प्रबंध भी सरकार ही करेगी। और सरकार द्वारा भी नैनो यूरिया को प्रमोट करने के लिए और ड्रोन को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें जिला करनाल में 7,000 एकड़ का टारगेट दिया गया है, और पूरे हरियाणा की हम बात करते हैं तो 1,00,000 एकड़ में नैनो यूरिया और ड्रोन से स्प्रे किया जाएगा। इसमें जो भी किसान भाई इसमें नैनो यूरिया का स्प्रे करवाना चाहता है ड्रोन से, तो वो मेरी फसल मेरा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, या फिर हमें लिखित एप्लीकेशन दे सकता है कि मैंने नैनो यूरिया का ड्रोन का स्प्रे करवाना है। वहीं किसानों को इसका लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, या फिर किसान को कृषि विभाग अधिकारी से मिलकर एक प्रार्थना पत्र देना होगा, जिससे किसानों की फसल पर ड्रोन की सहायता से नैनो यूरिया का छिड़काव हो सके। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता तो भी हम नैनो यूरिया और ड्रोन का स्प्रे करने को तैयार हैं। इसमें किसान को अपने कृषि विकास अधिकारी से मिलकर एक एप्लीकेशन देनी होगी, दरखास्त देनी होगी कि मैं नैनो यूरिया का स्प्रे करवाना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नैनो यूरिया मार्केट में 225 रुपये के आसपास मिल जाता है, और एक ड्रोन का जो एक एकड़ में स्प्रे करना खर्चा लगभग 400 रुपये है, तो ये 625 के आसपास बनता है। सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया कि किसान से केवल 100 रुपये प्रति एकड़ लिए जाएंगे, तो 625 का सरकार टोटल खर्चा आता है, इसमें से 525 रुपये सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे और फार्मर से केवल 100 रुपये प्रति एकड़ लिया जाएगा। कृषि विभाग के उपनिदेशक वजीर सिंह ने बताया कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है। इससे फसल का उत्पादन बढ़ता है, फसल की गुणवत्ता अच्छी होती है और जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उत्पादकता में बहुत अधिक फर्क पड़ता है। नैनो यूरिया एक बहुत ही स्टीक एक टेक्नोलॉजी है जो सीधा प्लांट्स को उपलब्ध होता है, और उत्पादन के साथ साथ इसकी जो गुणवत्ता है, जो फसल की गुणवत्ता है, वो भी बहुत अच्छी रहती है नैनो यूरिया में। इसके अलावा जो हम यूरिया प्रयोग कर रहे हैं, जो दानेदार यूरिया है, वो जमीन को, वायु को और जल को प्रदूषित करता है, क्योंकि वो 70-80% तक पौधों को नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन की उर्वरा शक्ति है, या जमीन की जो शक्ति है, या हम कह सकते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बहुत सचेत रहने की जरूरत है, नैनो यूरिया इसमें एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके 2-3 साल से जो हम कुछ किसान इसको प्रमोट कर रहे हैं,
और कुछ किसानों ने इसका अपने खेतों पर स्प्रे भी करवाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रयोग को कम करने के लिए सरकार किसान के खेत में नैनो यूरिया का स्प्रे करवाएगी। नैनो यूरिया से पर्यावरण सुरक्षित होगा, खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, साथ ही किसानों को भी आर्थिक रूप से बचत होगी। करनाल से जनता टीवी के लिए कमल मिड्डा की रिपोर्ट।